हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल चिल्ली पटेटो। फ्रेंड्स, आप इसको खाने के बाद मार्केट का चिल्ली पटेटो कभी भी नहीं खाएंगे। इतना टेस्टी, इतना हेल्दी बनाया है मैंने घर पर बहुत ही कम चीज़ों से, घर पर ही पड़ी चीज़ों से आज मैंने चिल्ली पटेटो बना के तैयार किया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चार आलू ले लिए थे। तीन आलुओं को देखिए मैंने इस तरह से पहले कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमें यहाँ सारे आलुओं को पतला पतला सा कट करना है। और आलुओं को साथ ही साथ हमें पानी में डालना है, क्योंकि इनमें स्टार्च होता है, उसकी वजह से आलू काले पड़ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक आलू रख लिया है बचा के, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से आलू को कट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आलू को इस तरह से बीच में से कट करेंगे। अब हम इस तरह से साइड से इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, अगर आपका आलू ज़्यादा मोटा है तो इस तरह से आप पीस कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से मैंने सारे आलुओं को कट करके तैयार किया है। बहुत ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा बस हमें आलुओं को कट करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे आलुओं को कट करके तैयार कर लिया है। मैंने इनको पानी में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो सारा पानी है इनको निकाल के हम एक बार और पानी से धो के निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आलुओं को सिर्फ दो बार धोया है। दो बार में सारा स्टार्च आलुओं को निकल जाता है, तभी हमारे आलू क्रिस्पी बनते हैं। ये ध्यान रहे कि आलू को धोना बहुत ज़रूरी है। अब इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉर्नफ्लोर। मैं इसमें से दो चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज कर रही हूँ। आप इसमें कॉर्न स्टार्च या अरारोट भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक। थोड़ा सा ही नमक डालेंगे बस। अब हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर को, जिससे कि आलू पर अच्छे से एकदम कोटिंग हो जाए अच्छे से इसकी। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। इसमें काफ़ी बढ़िया से इसमें कोटिंग भी हो चुकी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और भी डाल सकते हैं, या आप इसको या आपको थोड़ा ज़्यादा सूखा सूखा सा लगे, यानी कि ड्राई ज़्यादा लगे, तो आप इसमें थोड़ा सा दो तीन बूंद पानी डाल के भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मैंने बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह का हमें इसको बनाना है, यानी कि कॉर्नफ्लोर अच्छे से कोट होना चाहिए इस पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इसको फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर रख दिया है गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए। ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने आलूओं को डाल देंगे। मैंने कढ़ाई थोड़ी बड़ी ली है, तो एक साथ में सारे आलू आ जाएंगे। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप दो बार में भी इनको फ्राई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आलू को इस तरह से हमें इसको मिक्स करते हुए एकदम बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हमें सारी वीडियो को यानी कि सॉरी आलूओं को फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम नहीं रखेंगे, नहीं तो हमारे आलू सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा एकदम सॉफ्ट जैसे बन जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है इस तरह से चलाते हुए। ये देखिए, यहाँ पर आलूओं को मैंने चलाते हुए फ्राई कर लिया है। और जैसे ही आलू अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, अपने आप से ऊपर उठ के आ गए। ये देखिए, बहुत ही हल्के हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। और काफ़ी अच्छा सा कलर भी आ चुका है इन पर, यानी कि इसी तरह का हमें आलूओं को फ्राई करना है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को इस तरह से साइड से करते हुए हमें इसको निकाल देते हैं, जिससे कि स्टॉल इसमें से निकल जाएगा। और साथ ही साथ हम इनको टिश्यू पेपर पे भी निकाल देंगे कि देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है इनमें। आप बिना चिल्ली पटेटो के भी इनको खा सकेंगे ना, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने इस तरह से निकाल के तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, कैमरे में दिख ही नहीं रहा था। ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, एकदम से क्रिस्पी आलू बने हैं, यानी कि एकदम सॉफ्ट नहीं हुए, जैसे सॉफ्ट होते वैसे नहीं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। सॉफ्ट भी है थोड़े थोड़े से, आलू पके हुए भी काफ़ी अच्छे से हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक तरह का बाउल, और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये हम पहले से घोल बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है मैंने, और उसमें दो से तीन चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ दो से तीन चम्मच ही पानी मैंने इसमें डाला है। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से जो एक बैटर सा मैंने बना के तैयार कर लिया है, इसको हम साइड से रख देते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, अब हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे, और मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर एक चम्मच ऑयल। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं, आपके यहाँ पर जो ऑयल खाया जाता है वही ऑयल आप इसमें ले सकते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। देखिए, ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैं अब डाल रही हूँ आधी चम्मच तिल, सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में, हेल्दी भी होते हैं। और ये जब आप मार्केट में जाके खाएंगे तो आपको देखा होगा कि ये ऊपर डले हुए होते हैं, तो ये वही ऐसे ही उनको बनाते हैं। साथ ही साथ मैंने बारीक कटा हुआ एक हरी मिर्च डाल दिया है इसमें, एक प्याज जिसको मैं इस तरह से देखिए स्क्वायर शेप में काटा है इस तरह से। साथ ही साथ एक मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को भी इस तरह से स्क्वायर शेप में ही कट किया है। अब हम इनको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। हमें प्याज और शिमला मिर्च को बस हल्का हल्का सा सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा हमें इनको सॉफ्ट या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा सॉटे कर लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट।
आप चाहे तो फ्रेश ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट को, सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा हम सोटे कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, जिससे कि इनका जो कच्चापन है बस वो निकल जाए इसमें से। तो इसी तरह से बस उसको थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहेंगे। गैस का जो फ्लेम है हम मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो हमारा सारा सामान जल जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें सारी तैयारियाँ करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको सॉटे कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 चम्मच चिल्ली सॉस। मैं यहाँ पर चिल्ली पटेटो बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच चिल्ली सॉस लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच टमेटो सॉस। ये देखिए जो भी सॉस आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम ही डालें। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस आप इसमें कम ही डालें क्योंकि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो ज़्यादा खराब भी टेस्ट हो सकता है। और 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाली हूँ विनेगर। विनेगर से इसमें बहुत ही बढ़िया खट्टा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है इससे चिल्ली पोटैटो। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सॉस वगैरह को। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, बट इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इसमें चिली पटेटो में। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच ही नमक डाला है क्योंकि हमने आलू फ्राई किए उसमें भी नमक डाला है। सॉस वगैरह में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक हमें साफ से डाला है। आप चाहे तो नमक को पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप नमक बहुत ही ज़्यादा कम खाते हैं तो। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। ये थोड़ा सा थिक लग रहा होगा आपको, देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है। सॉस वगैरह मैंने सारी सॉस वगैरह को 2 मिनट तक पका लिया है जिससे कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अब मैंने यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर को अभी घोल के रखा हुआ था वो डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को डालते ही आप देखेंगे कि इसमें एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, एकदम गाढ़ापन आ जाएगा, वो एकदम थिकनेस हो जाएगी, जिससे कि हमारे चिल्ली पोटैटो पे एकदम बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी, तो उससे देखने में बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम थिक हो गई है, यानी कि बढ़िया से मैंने इनको पका लिया है। अब हमने फ्राई किए हुए आलूओं को भी डाल देंगे साथ ही साथ। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम आलूओं को भी इसमें मिक्स कर देते हैं, अच्छे से एकदम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से ही, जिससे कि आलू टूटे ना। तो ये देखिए हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आलू को डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आलूओं के ऊपर एक बढ़िया सी कोटिंग हो जाए, बस इतना ही हमें इनको पकाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि आलू ऑलरेडी पके हुए हैं, पकाने से क्या होगा सब्जी जैसा बन जाएगा एकदम हलवे जैसा, तो इसको नहीं पकाना है। जैसे ही आलू डालें उसके बाद गैस को हम ऑफ कर दें, जिससे कि आलू एकदम क्रिस्पी बने रहें। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट पर। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरह की एक प्लेट। तो ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार हमारे चिल्ली पोटैटो बनके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कहने से आप इस तरह से चिल्ली पोटैटो जरूर बना के देखा, मार्केट के भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।